दिल्ली की एक अदालत ने कथित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। रतुल पुरी 4 सितंबर से ईडी की हिरासत में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजी रतुल पुरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कथित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने रतुल पुरी की ईडी की हिरासत को 5 दिन के लिए और बढ़ाते हुए रतुल पुरी को बड़ा झटका दिया है। अपनी याचिका में ईडी ने रतुल पुरी की 8 दिन की हिरासत की मांग की थी। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान नए सबूत मिले हैं और इसके लिए मौजूदा जांच में उनसे पूछताछ जरूरी है। ईडी ने अदालत से कहा कि पूछताछ के दौरान वे सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोलमाल जवाब दे रहे हैं। ईडी की याचिका का रतुल पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ऐसा प्रचार करने के लिए कर रही है। जांच एजेंसी ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को 4 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी हिरासत की अवधि बुधवार शाम को खत्म हो रही थी। ईडी ने इटली स्थित फेनेमिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद में कथित अनियमितताएं के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। रतुल पुरी कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य केस में पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। अंकुश चौबे, Go News.